अहमद अली नाम है सर। अहमद अली जी, अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, बोलिए जी। मेरा कहना एक्चुअली सर, मैं अट्रैक्शन कराना चाहता हूँ फिलहाल तो बिहार फ्लड पे। एक्चुअली सर, नो वन आईज स्टिल वॉचिंग टुवर्ड्स बिहार। नहीं मैं बोलो, हम लोग सब हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार फ्लड पे अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है, और लगभग 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित है। और एक हमारे गांव के बगल में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के गोरा बोरा प्रखंड अंतर्गत आता है, वहां पे एक भूगोल गांव है, उसका नाम भूभोल था पहले, उसका भूगोल मिटता हुआ दिख रहा है, यानी कि डेमोग्राफी चेंज हो गया। उस फ्लड से लगभग 200 घर की आबादी है, वो 200 घर विलुप्त हो गए ऑलमोस्ट। और अब तक वहां पे सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो वहां के प्रतिनिधि हैं लाइक सांसद और विधायक, वो भी लापता है उस बाढ़ में। सबसे बड़ी समस्या ये, मैं आपके माध्यम से बस ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें हैं जो हर साल लगभग, ये देखिए, एक तो ये नेशनल और स्टेट दोनों का मामला है, बार बार हर साल नेपाल से पानी आती है और बिहार को तबाह बर्बाद करके चली जाती है। इसका परामर्श जो है, फाइनल जो एक निकालना चाहिए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कोई भी नहीं निकाल पाती है। और हर साल हम लोग देखते हैं ये बजट पास हुआ वो। क्या नाम हो गया साहब आपका? जी मेरा नाम अहमद अली है। अहमद भाई, आपने आपने प्रॉब्लम थोड़ा सा शेयर कहना चाहते हैं? अरे कम, अरे आदमी की जान बाढ़ में फंसी है, आपको शेर याद आ रहा है? आप भी बड़े रुके रुके, आप भी मजबूरी में बहुत फायदा उठाते हैं जी जी। इरशाद बोलिए। बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से, बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। कोई भी शहर जलता है तो कुर्सी मुस्कुराती है। क्या बात है, कोई भी शहर जलता है तो कुर्सी भी, तो कुर्सी मुस्कुराती है। बहुत जी जी, बहुत हाँ जी, हाँ गलत बोले हैं वो। क्यों? उनको पता ही नहीं है, वो 2004 के बाढ़ उनको याद नहीं है। अभी बिहार की तमाम सड़कें अभी कंप्लीट है और पहुंच रहा है लोग अभी पूरे कोने कोने से राजधानी में। दो जिला हमारा मात्र, 14 जिला का नाम बताएंगे वो हम पूरा जिला गिना देंगे। वो गौरा गौरी जहां बोल रहे हैं जिस पंचायत का बात दरभंगा में, वो जानता हूं मैं, बिहार के कोने कोने से वाकिफ हूं। दो जिला थोड़ा दरभंगा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, और सीतामढ़ी में दो प्रखंड बेलसंड और उनिसैदपुर, सुन लीजिए थोड़ा, आपका सुन लिए हैं हम, आपका सुने हैं, पूरा डाटा है मेरे पास। 2004 में जो बाढ़ आया, कितने हजार घर खत्म हो गए थे, आपको उसको याद नहीं होगा? 2004 वाला बाढ़ याद करिए। और अभी पूरा बिहार, अभी मैं बिहार से आया हूँ, कहीं कोई रास्ता दिक्कत नहीं है। वो सीतामढ़ी का सुरसंड बॉर्डर जो कटौझान टेम्पू से नाव से आया करते थे, 2-3 घंटे में पटना राजधानी आज पहुंच रहे, कोना कोना। हाँ, कुछ बाढ़ है जो टूटी है, जो बांध टूटी है, उस बांध के लिए ताली ना बजाइए, सुनिए, सुनो सरकार की बात क्या है। हमारे मंत्री, जल संसाधन मंत्री ने 2-3 दिन पहले कहा है कि जो बाढ़ है, बांधे टूट गई हैं, उससे कुछ उनको सबक मिला है, और अगले बार वो बांधे कंक्रीट हो जाएगी। बिहार का कुछ भी अब गलत सलत हो नहीं रहा है, ये पुराना बात, गलत प्रचार मत करिए। पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। नहीं नहीं, ये कोई जवाबी को, ये जवाबी कवाली नहीं है ना, ना कोई जन, आम आदमी पार्टी, आम आदमी बिल्कुल नहीं। अरे अरे मुमताज, कोई बात नहीं, फायदा होना चाहिए जनता का। अरे रुकिए रुकिए, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं। मीनाक्षी, मैं बस भाई को ये जरूर बताना चाहूंगी। अरे रुको यार भाई, ये क्या बात है भैया, ये गलत बात है। बिहार में बने बनाए एक एक करके सारे पुल टूट गए, सड़कें बनी बनी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पर बने बनाए पुल जरूर टूट गए हैं। और अभी आपने परसों ही जो करा था कि वहाँ पर जहरीली शराब पीकर लोग मर गए, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ का शासन प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है, या वो मतलब बहुत ज्यादा। मीनाक्षी जी, वैसे दिल बहलाने के लिए सवाल पूछा, अगर जैसे मान लीजिए तुरंत बदल जाए सरकार तो क्या होगा फिर? बिल्कुल देखिए, सरकार बदलेगी तो बिल्कुल वहाँ पर जो सरकार की, अच्छा हो जाएगा। सुनिए, जो सरकार की नीतियाँ हैं, ये तो बहुत समय से सरकार है, अभी नई नई सरकार नहीं बनी है। नहीं, नहीं। और बिल्कुल अगर सरकारें बदलेंगी तो उनकी नीतियाँ बदलेंगी, उनकी विचारधारा चेंज होगी, वो बिल्कुल उसमें कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। अगर पहले से कोई गलत होता आ रहा है तो नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। कांग्रेस को बोल ले दो यहाँ आइए। मेरे भाई रोड की बात कर रहे थे, मैं भी बिहार से ही आता हूँ, और मैं इनको बता दूं रोड कहां तक पहुंचा मुझे कम पता है। शराब जरूर गली गली जा रही है बिहार के अंदर, शराब जरूर जा रही है, लेकिन बोल नहीं पाओगे। देखो, सत्ता से सवाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक हक है,
अगर सत्ता में जिनको हमने बिठाया, हम क्यों ना पूछे कि पुल क्यों गिर रहा है? नहीं पूछे, पूछना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा। अभी आप उनको समझा रहे थे 14 जिला, कितना जिला है बिहार में मेरे भाई? तो ऐसे मत बोलो ना, अभी इनको समझा रहे हैं, ऐसे मत बोलो। सुनो सुनो, और गौरा बोराम है, आप नहीं गए होंगे, मैं गया हूँ गौरा बोराम, और कुशेश्वर स्थान की हालत आपको नहीं पता है? अरे कुशेश्वर स्थान की हालत आपको आज ही नहीं पता है? रुकिए बिहार से, सब क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं दो लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। हमारी बहन शराब के बारे में बात कर रही थी। देखिए आज देखिए इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जो है शराब पीते पीते जो है जेल पहुंच गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, शराब पे तो ज्ञान ना दे, झारखंड, झारखंड की बात आप पीते पीते, कर्नाटक में जो है पीते पीते शराब पीते पीते होटल का बिल, होटल का बिल, होटल का बिल आ रहा है, होटल का बिल आता है। सुनिए सुनिए, अरे भाई मुझे तो लगा कि आपने शराब ना पी रखी हो, शराब पीते पीते नहीं पहुंचे आपके शराब दिल्ली में जो है एक पैक फ्री दिया जा रहा था। झारखंड की बात करना चाहता हूँ प्रतीक जी, क्योंकि आज का मुद्दा जो है झारखंड और महाराष्ट्र का है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है जिस तरीके से युवाओं का महिलाओं की बात कर रहे थे लोग, वहाँ पे युवाओं को महिलाओं को ठगने का प्रयास किया गया है। वहाँ पे जो है बोला गया था कि हर युवा को जो है, जो हमारे बेरोजगार युवा है उनको हर साल में जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया। वहाँ पे ये बोला गया जो बेरोजगार युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिला है, महिला की बात करिए, वहाँ पे विधवा बहने को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जी। ना मैं बिहार में पुल टूटने की बात करूंगा, ना शराब, नकली शराबबंदी की बात करूंगा। एक बात जरूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जैसे रोजगार की बात की, झारखंड की बात की, मैं उत्तर प्रदेश में शराब, जहरीली शराब की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने आया हूं कि शराबबंदी के बाद शराब बिकती कैसे है। जो लोग मर गए, जिनके मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल रखा था, आपने ब्रेक के बाद एक सवाल रख दिया। मैंने ब्रेक से पहले रखा था कि संविधान कैसे खतरे में है, ये मुझे बताइए कहाँ पे खतरे में, ये मुझे बताइए, ये सवाल मैंने रखा था, आपने एक सवाल रखा जी। वेरी क्विक प्रतीक जी, बात महाराष्ट्र, रुके भाई, झारखंड के चुनाव की हो रही थी तो इंडिया अलायंस का तो ये हाल है, यहाँ पे दोस्ती तो नहीं चल रही है लेकिन अब कुश्ती बहुत अच्छी चल रही है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें तो जनाधार भी खत्म हो चुका है, संगठनात्मक रूप से तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात देखिए, 99 आ गए ये लोग, 99, अरे भैया 543 में थे 99, मतलब आप दो बार आप फेल होंगे ना तब उतनी परसेंटेज है, 100 में से 99 नहीं आए हैं, 543 में से 99 आए हैं। और वो तब आए हैं जब इन्होंने वहां गठबंधन किया जहां पे वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग है, वहाँ तो गठबंधन कर लिया, लेकिन जहाँ कांग्रेस को लगता है अच्छी है तो देखो आम आदमी पार्टी कटोरा लेके हरियाणा घूमती रही, किसी ने नहीं पूछा। इनसे पूछो तो इन्होंने अपने राज्यों में कहीं तो जो अपने गढ़ हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, MP हार गए, कौन अखिलेश वकील? मैं ये कह रहा हूँ ये बिहार की बात कर रही है, दिल्ली के नालों की बात आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करती? ये हमसे गठबंधन की बात मेरी बहन पूछ रही थी। अरे आपके गठबंधन की हालत यह है कि एक पार्टी का नेता कहता है कि दूसरे पार्टी का जो आपका गठबंधन का साथी है उसको देखने से वोमेटिंग होती है, उल्टी आती है। और अंतिम एक मिनट, मैं